हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सर्च कार्ड के बारे में, या फिर आप इसे कह सकते हैं गूगल प्रोफाइल कार्ड। तो गूगल का एक न्यू फीचर आया है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि नॉलेज पैनल्स होते हैं गूगल पर। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये सर्च करके बता देता हूँ कि नॉलेज पैनल आप किसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना गूगल पे नाम सर्च करता हूँ, तो ऑलरेडी मेरा गूगल पे नॉलेज पैनल क्रिएट हो रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक नॉलेज पैनल आ रहा है, यहाँ पे मेरे कुछ जो प्रोफाइल्स आ रही हैं। ये मेरा जो नॉलेज पैनल है ये एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट के तौर पे क्रिएट हुआ है गूगल में। ऐसे जो नॉलेज पैनल होते हैं, जैसे कि आप किसी एक्टर के बारे में सर्च करेंगे उसका एक बॉक्स बनाता है जो टॉप में, उसे हम नॉलेज पैनल कहते हैं। तो अगर आप नॉलेज पैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली गूगल ही क्रिएट करता है। लेकिन वैसा ही एक फ़ीचर गूगल ने रिलीज़ किया है, जिसको गूगल ने नाम दिया है गूगल सर्च कार्ड या फिर गूगल प्रोफाइल कार्ड। ये फ़ीचर उनके लिए है जो कि स्मॉल क्रिएटर्स हैं और वो अपने सर्चिस को इनक्रीज़ करना चाहते हैं गूगल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये गूगल सर्च कार्ड है क्या चीज़। तो सबसे पहले अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मेरा ओरिजिनल नाम जो कि है प्रकाशजीत सिंह, अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं एक पीपल का बॉक्स लिखा रहा है और नीचे मेरी एक बॉक्स में प्रोफाइल बनी आ रही है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऐसा बॉक्स टॉप में देखने को मिलेगा जो कि एक गूगल नॉलेज पैनल की ही तरह है, जिसमें आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, मेरा वर्क देख सकते हैं, होम टाउन देख सकते हैं और मेरी कुछ सोशल प्रोफाइल्स देख सकते हैं, और नीचे मैंने अपनी वेबसाइट लगा के रखी है। तो उसके नीचे लिखा रहा है क्रिएटेड बाय प्रकाशजीत सिंह। तो एक गूगल का एक न्यू फीचर उनके लिए अवेलेबल किया गया है जो कि जो स्मॉल आर्टिस्ट हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो हैंडल करता हूँ जीमेल्स, तो आपको जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी गूगल जीमेल की, गूगल अकाउंट की। तो जो मैं हैंडल यहाँ पे अभी जीमेल कर रहा हूँ वो मेरे पास तकरीबन 7 से 8 जीमेल्स हैं, और 2 जीमेल्स के ऊपर मुझे ये फ़ीचर प्रोवाइड करवाया है गूगल ने। अब ये बीटा में है, हर एक को ये नहीं मिल रहा। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपके पास ये फ़ीचर आ चुका है? अगर आप ऐसे एक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं अपना गूगल पर जो नॉलेज पैनल की तरह ही दिखे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको गूगल में आना है और टॉप में आपको लिखना है एड मी टू सर्च, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और टॉप में ही आपको एक यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिलेगा एडिट का। अभी ये मेरे पास नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एडिट का बटन आ रहा है प्रोफाइल के पास मेरी, मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। आपके पास भी एक ऐसा ही ब्लू कलर का बॉक्स होगा, आपको सिर्फ अपनी डिटेल सबसे पहले फिल करनी है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, या मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एडिट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं सबसे पहले आपका अवतार होगा, आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जो आपका ये नेम है, जैसे कि ये मेरा नेम आ रहा है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये आपका वही सेम नेम आएगा जो आपने अपने गूगल में रखा होगा, गूगल अकाउंट में। तो उसके बाद ये लोकेशन है, लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, अबाउट चेंज कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन आप अपनी चेंज कर सकते हैं, वर्क आप चेंज कर सकते हैं, होम टाउन और वेबसाइट, सोशल प्रोफाइल्स ये आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एजुकेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी आपको करवाना है या फिर नहीं। तो ये सब एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है और ये आपको बता देगा कि आपका गूगल सर्च कार्ड देखने को कैसा मिलेगा। बस लास्ट में आपको सेव करना है और ये तकरीबन 4 से 5 दिन लेता है कम से कम आपका जो गूगल सर्च कार्ड है उसे लाइव करने के लिए। तो अगर आपका नाम है जो वो कोई भी सर्च करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप मेरे नाम को सर्च करेंगे गूगल के ऊपर प्रकाशजीत सिंह जो कि मेरा असली नाम है, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा बॉक्स देखने को मिलेगा पीपल का। तो इसे मोस्टली गूगल पीपल प्रोफाइल ही कहता है। तो आपको ऐसा बॉक्स देखने को मिलेगा, अगर कोई भी बंदा आपकी उस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको एक ऐसा बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल नॉलेज पैनल की ही तरह दिखता है। तो आप इजीली अपना एक नॉलेज पैनल की तरह ही एक ऐसा गूगल प्रोफाइल जो बॉक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये फ़ीचर अभी मिला है या फिर नहीं। अगर आपके पास
5-6 जो जीमेल्स अकाउंट है सभी पे आप ट्राई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाएं और ऐड मी टू द सर्च लिखें। ऊपर टॉप पे आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स मिलेगा, अगर आपके पास वो नहीं आ रहा है इसका मतलब गूगल ने अभी आपको वो फीचर अवेलेबल नहीं करवाया है। तो जो दोस्तों मेरा एक ये जो मुझे गूगल सर्च बॉक्स मिला है ये मेरी न्यू जीमेल पे मिला है, तो आप ट्राई कर सकते हैं गूगल का न्यू अकाउंट बनाएं। अगर आपके पास नहीं मिला है तो हो सकता है आपको उस न्यू गूगल अकाउंट पे ये फीचर मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।